आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड राउंड काउंसलिंग के ऊपर। जैसे कि हम फर्स्ट राउंड में आप सभी के लिए मेहनत किए थे, आप सभी को बताए गए थे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग बिल्कुल होगी और जो दुर्गा पूजा के बाद में होने वाली 10-12 तारीख के बीच में, और आज 10 तारीख है, आज आप सभी का ऑफिशियल नोटिस आ गया है। ये जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग हो रहा है, इसको कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो जो भी बच्चे झारखंड में 2022 का परीक्षा दिए हैं पॉलिटेक्निक वाला, वो सभी बच्चे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। चाहे आपका आपको सीट फर्स्ट राउंड में मिला हो, आपने एडमिशन नहीं लिया हो, वो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको सीट मिला था, जिन्होंने एडमिशन भी ले लिया, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको सीट नहीं मिल पाया था, एडमिशन नहीं ले पाए थे, वो भी बच्चे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रोसेस क्या होने वाला है, बस आपको याद रखना है कब से कब तक काउंसलिंग चलेगा। 11 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में आप सभी लोग काउंसलिंग को फिल कर सकते हो। याद रहे, काउंसलिंग को फिल तब करना जब आप अच्छी तरह से समझ सकोगे कि सीट मैट्रिक्स में क्या क्या लिखी हुई है, क्या क्या सीट्स बची हुई है। उसको समझने के बाद अगर आप काउंसलिंग को फिलअप करते हो तो 100% चांस है कि आपको सीट अलाउड होगा। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो जो बातें मैंने कही थी, जो लोग मेरे बातों को फॉलो करते थे, उन सभी लोगों को सीट अलाउड हुआ है। उसके बाद में क्या कि 16 अक्टूबर के दिन में आप अपने प्रिफ्रेंस को चेंज कर सकते हो। सके आपसे मिस्टेक हो जाए, आपको लेना था कुछ, आपने भर दिया कुछ, उस कंडीशन में 16 अक्टूबर के दिन में आप अपने प्रिफ्रेंस को बदल सकते हो। उसके बाद में 19 तारीख से लेकर 24-25 तारीख के बीच में आप सभी को मालूम चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच अलाउड हुआ है। ये आप सभी का दिन है, मतलब 11 तारीख कल से ही आप सभी को सीरियस हो जाना है। साथ में जो बच्चे ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, चाहे उनका एडमिशन हो पाया हो, उनको सीट अलाउट नहीं भी हो पाया हो, अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कीजिएगा तो आप सभी को दोबारा से काउंसलिंग का फ़ी देना होगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 400 रुपये देना होगा, एससी एसटी के लिए देना होगा आप सभी को 250 रुपये, जो हमको नहीं देना होगा बल्कि JCCB के पोर्टल पे आपको पेमेंट करना होगा, ताकि आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सको। ये आप सभी को काउंसलिंग का फी है। और इम्पोर्टेंट बात, एक बच्चा है, ठीक ना, इसका नाम मान लीजिए कुंदन है, ठीक है। क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड में इसको मिला माइनिंग इंजीनियरिंग, कहाँ पे, तो GP कोडरमा में मिल गया, ठीक है। मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा रियल एग्जांपल है ये वाला, कोडरमा में मिल गया। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, इन्होंने भरा माइनिंग मधुपुर पॉलिटेक्निक, जो PPP मोड कॉलेज है। इनको क्या हुआ कि सेकंड में भी मिल गया, इनका रैंक अच्छा था, इनको यहाँ तो मिलवे किया था, एडमिशन लेवे किए थे, इनको यहाँ भी मिल गया। अब क्या हुआ भाई, तो GP कोडरमा का एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ मिला। अब भले कुंदन कुमार को यहाँ लेने का मन नहीं है, इसके लिए वही अच्छा लग रहा है, मगर लगने से नहीं होगा। अगर इन्होंने भरा है तो या तो भरिए ही मत, या अगर भरिए तो दोबारा सही सही कॉलेज भरिए जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हो, ठीक ना। मीन्स अगर आपको अलाउटमेंट मिल चुका है फर्स्ट राउंड में, आपने एडमिशन ले चुका है, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट बिल्कुल कीजिए, मगर ध्यान पूर्वक से कि हाँ भाई आपके लिए बेटर क्या क्या हो सकता है, जो चीज़ बेटर हो सकता है उसी को भरिएगा, ठीक है। और एक मेरा दोस्त है, ठीक ना, जिसका नाम है ABC, इसको क्या हुआ, कॉलेज में नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, इनको कॉलेज में नहीं मिला, तो सेकेंड राउंड में ये चाहे तो कुछ हो भरिए, अगर भर दिए मिल गया तो आपके लिए वही प्रोसेस है, एडमिशन लीजिए। तो जैसे जैसे आप सभी का अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा, कैसे पेमेंट करना है, 1000 रुपया किसको करना है, सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा, एडमिशन कैसे होगा, हम हर एक चीज़ सही समय पे बताते चले जाएंगे आप सभी को। आपका केवल अभी का काम है कि 11 से लेके 15 के बीच में काउंसलिंग को कीजिए, और ध्यान पूर्वक कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए, अच्छी तरह समझ के कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, आप सभी का सीट मैट्रिक्स, पहलका वाला सीट मैट्रिक्स मत देखिएगा, उसमें क्या था कि 67 को सीट था सभी कॉलेज में, पर अब 67 को सीट नहीं ना रहेगा। अब जो बची कुछ ही सीट हैं, जिनमें जिनमें एडमिशन हुआ, किसी बच्चा को अलाउटमेंट हुआ, अब वो बच्चा एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन का सीट अलाउटमेंट हुआ, उन्होंने एडमिशन लेकर TC ले लिया अगला दिन, तो वो बची कुची सीट में ही आप सभी का सेकेंड राउंड काउंसलिंग होने वाला है। इसलिए ध्यान पूर्वक से सीट मैट्रिक्स को समझ के ही भरिएगा। ऐसा भी होता है कि बच्चा को फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिला, सेकेंडो में नहीं मिला, कहाँ नहीं मिला भाई, उन्होंने सीट मैट्रिक्स को समझ के काउंसलिंग नहीं किया था। पूरा डिपेंड करता है आप सभी का सीट मैट्रिक्स को समझ के काउंसलिंग करने के ऊपर। आपका जो CML रैंक था वो तो आप सभी का आइए गया, खराब आया, अच्छा जो होने का था सो ये गया, पर अभी भी आपके पास एक हाथ में ऑप्शन है कि आप ढंग से फिर प्रिफ्रेंस को भरो, ढंग से मैक्सिमम प्रिफ्रेंस को भरो। जो बातें कल से मैं सिखाऊंगा, कल से मैं बताऊंगा,
फर्स्ट राउंड में मैंने मेहनत किया था, आप सभी को बताया था मैंने, जो जो मेरी बातों को माने थे सभी को सीट अलाउट हुआ, सभी का एडमिशन हो गया। जिनको नहीं हो पाया था, जो मेरी बातों को सुनते थे पर भरे थे अपने मन से, या जो लोग बाद में मेरे वीडियो को देखने के लिए आए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अब जो बताने वाला हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, 100% आप सभी को सीट अलाउट होगा, ठीक है। तो कल मेरा जो वीडियोस आएगा उसको देखने के बाद ही कुछ कीजिएगा, नहीं तो हर बड़ा के कर दीजिएगा लोग तो के फिर बाद में बोलिएगा भैया लॉक हो गया, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया, उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सॉफ्टवेयर हमारा खुद का कंपनी का नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप ही ध्यान से कीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट बात, जिनको जिनको काउंसलिंग पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग हमसे करवाना है उनके लिए क्या प्रोसेस है भाई, तो फर्स्ट राउंड मैंने लिया था 50 रुपये काउंसलिंग को करने का, मैंने मैक्सिमम प्रिफ्रेंस को भरा था और बच्चों को अलाउटमेंट भी हुआ था। सेकेंड राउंड में क्या कि सीट की संख्या कम है, हमको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रिफ्रेंस को भरना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें लेने वाले हैं मात्र 100 रुपये, 100 रुपये का चीज का। तो काउंसलिंग को भरने का PDF बना के आपको सेंड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या मिल सकता है, फिर आप बोलिएगा ठीक है भैया भर दिए तो हम भर देंगे। और ऐसा नहीं कि मेरे भरने से मिल ही जाएगा, हम जो भरेंगे और एक साइबर कैफे जो भरेगा, साइबर कैफे वाला को वही भरेगा जो उसको आप बताइएगा, आपको जो मालूम होगा आप उसको बताइएगा, वो भर देगा आपसे और 100-150 आपसे ले लेगा। मगर हम जो भरेंगे 100 रुपये लेके, आपसे हम नहीं पूछेंगे, आपका ज्ञान हमको नहीं चाहिए, बल्कि हम आपको ज्ञान देंगे, हम आपके लिए भर देंगे। और आपको मालूम है कि साइबर कैफे वाला पैसा लेकर भर है, हम लेकर भर है, दोनों में कुछ तो अंतर है। इस कारण से जिनको हमसे भरवाना वो हमसे भरवा सकते हैं, ठीक ना। इसके लिए प्रोसेस बहुत सिंपल है, मुझे पर्सनली ईमेल कीजिए, मेरा ईमेल आईडी क्या है मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा, nnhinanni@gmail.com में आप हमको मेल कीजिए और सब्जेक्ट में लिखिए क्या कि भैया हमको आपसे काउंसलिंग करवाना है, भैया हमको आपसे काउंसलिंग करवाना है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, उस टाइम पे हम आपको कॉल करके आपको काउंसलिंग को कर देंगे। और ये बात आप मैसेज कीजिएगा, मेल कीजिएगा, जवाब आपको हम अगला दिन सुबह में देंगे, ऑफिशियल टाइम के बीच में देने वाले हैं। ये था आप सभी का ऑफिशियल नोटिस के ऊपर जानकारी कि बाबू हर बढ़ाना नहीं है, वीडियोस काफ़ी लोग बना के बता चुके हैं कि आ गया है, ऐसे भरो वैसे भरो, जिनको भी फॉलो कीजिए, सभी लोग सही बताते हैं, जिनको भी फॉलो कीजिए, हमको या किसी और को, किसी एक को फॉलो कीजिए, उसके पीछे पूरा मेहनत कीजिए, वो जो भी कहे उस बातों को मान लीजिए। अगर मेरी बातों को मानिएगा तो मेरे ही वीडियो को देखिएगा, कल भी मेरा जो वीडियो परसों आएगा उसको भी देखिएगा, ताकि आपको जो हम बताएंगे उसको फॉलो कीजिएगा, तो आपको सीट अलाउटमेंट हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आगे आपकी मर्जी, आप देखिए मत देखिए, भरिए मत भरिए, आपके हाथ में है। इस वीडियो को अपने हर एक पॉलिटेक्निक के दोस्त के साथ में शेयर कर दीजिएगा, अगर शेयर हो जाएगा, लगेगा आप लोग जुड़ चुके हो हमसे, तो आपके लिए आपके बिना बोले हम मेहनत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियोस में।